हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि ओनली हमें सिर्फ डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना है या फिर हमें ओनली एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। तो अभी तक की जो भी मेरी वीडियोज थी आपने देखी होंगी, वो सब मेरी वर्कआउट्स पे ही हैं और बहुत ही कम है, रेयर ही है कोई एक आधी वीडियो होगी जो मेरी कुछ डाइट पे है या कुछ शेक्स पे ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। तो डाइट क्या है, डाइट को सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। डाइट क्या है, डाइट एक खाने का सिस्टम है जिसको कि आपको सिर्फ कंट्रोल करना है। ठीक है, उसको हम डाइट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ देते हैं कि हम ये भी नहीं खाएंगे, हम डाइट पे, हम ये भी नहीं खाएंगे। तो सब कुछ क्या है, जरूरी है बॉडी को। ठीक है, तो आप सब कुछ खाइए लेकिन एक कंट्रोल वे में खाइए। एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि मेरे को इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये खाना है। और जो भी खाते हैं आप, ऑयली खाते हैं, ठीक है आप खाइए, नो प्रॉब्लम, ऑयली का कुछ इशू नहीं रहता है। लेकिन आप लेस ऑयली खाइए, डीप फ्राई खाते हैं लेकिन उसका टाइम कम कर दीजिए। आपके आपको खाना ही है तो आपको जैसे बहुत रहता है कि हमें खाना है कुछ बाहर का खाना है ऐसा, तो आप उसके टाइम फिक्स करिएगा, वीक में एक बार ही खाना है या 2 वीक में एक बार खाना है, कुछ ऐसा आप फिक्स कर सकते हैं। तो आप हर चीज खाइए, कुछ मत छोड़िए। ठीक है, बट आपको क्या है उसको कंट्रोल वे में खाना है, एक टाइम फिक्स करना है कि हमें इसी टाइम इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं खाना है। और हो सके तो आपको अगर 100% भूख है तो आप उसमें उसका 70-80% ही खाइए, 20% आप कम खाइए, मतलब वो आप कम कर दीजिए। मतलब आपको अगर 100 की भूख है तो आप सिर्फ 80% खाइए, 20% आप कम खाइए सब। तो उसको आपको समझने की, जैसे जैसे आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में रिजल्ट आएगा, 2 दिन में रिजल्ट आएगा। आपको ये सब करने में 15 डेज का आप टारगेट लेके चलिए। तो आप 10-15 डेज एक दिमाग में रखिए कि मेरे को इतना टाइम मेरे को देना है तो ही मैं ये सब कर पाऊंगा ऐसा है। तो आपको थोड़ा थोड़ा वो डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करके आपको ये सब क्लियर करना है। तो आप कुछ भी खा सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करिए अपने डाइट में। अगर आप डाइट पे कर रहे हैं तो डाइट को आप समझिए कंट्रोल वे में, जो भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ खा रहे हैं तो सब आप कंट्रोल वे में सब कुछ ही खाना स्टार्ट कर दें कि हाँ चलो बोला है तो ऑयली खा रहे हैं तो आप कंट्रोल वे में ऑयली ही खाते रहें, ऐसा भी नहीं करना है। तो उसमें फिर आपको फिक्स क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने खाने में लेना है रॉ वेजेस। ठीक है, जैसे सैलेड टाइप हो गया, वो सब चीज़ें, और आपको फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं और ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। ये चीज़ आप थोड़ा सा लिक्विड आप रखिए अपने पानी का, एक आपको पता ही है कि अपने को दिन के 4 से 5 लीटर, 3 से 4 लीटर आपको चाहिए आपकी बॉडी को। तो वो एक फिक्स रखिए टाइम, आपको कुछ भी खाना है तो आप एक कंट्रोल वे में खाइए, उसको लेके चलिए। आप 15 डेज करेंगे तो आपको थोड़ा सा आपकी बॉडी भी क्या है, हैबिचुअल हो जाएगी उस चीज़ की कि हाँ अब मेरे अंदर इतना ही मिल रहा है तो मेरे को उतना ही एडजस्ट करना है। तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगी, आप देखेंगे आपका रिजल्ट। फिर उसका रिजल्ट आपको एकदम से नहीं मिलेगा, ये सब आप कंटिन्यू करेंगे कम से कम 3-4 मंथ आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है वर्कआउट की, एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज भी साथ साथ जरूरी है, सिर्फ डाइट से आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ वर्कआउट से आपका कुछ नहीं होगा। ये दोनों को आप जब लेके चलेंगे इक्वली बैलेंस करके, तभी आपका बॉडी का शेप दिखेगा, तभी आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर इंटरनली कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। ठीक है, डाइट से आपका, हाँ ठीक है आपके मसल्स हो जाएंगे, स्ट्रेंथ उनको मिल चुकी होगी, लेकिन उसको शेप में लाना, उनको बिल्ड करना, उनके अंदर पावर डालना, वो सब वर्कआउट से होगा। तो आप थोड़ा सा 30-40% आप थोड़ा सा वर्कआउट भी आप साथ लेके चलिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जैसे जैसे डाइट स्टार्ट करी साथ साथ आपने वर्कआउट भी स्टार्ट किया। आप थोड़ा सा पहले माइंड सेट करिएगा मेरी डाइट ओके हो गई है, तो आप अपने आप अंदर से आपको एक होगा कि हाँ कि हाँ मेरी अभी कुछ चाहिए, मेरे को वर्कआउट करना है, तो आप धीरे धीरे उस पर भी जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें साथ लेके चलिए तो ये आपका लाइफ है जो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका कॉन्सेंट्रेट, आपका हर चीज आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 महीने में मेरे को रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको ये सब बॉडी बिल्ड करने में, आपकी बॉडी को शेप में लाने में, आपकी इंटरनली स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में 1 ईयर आप लेके चलिए, तब जाके कहीं आपका शेप दिखेगा। ठीक है, तब आपके इंटरनली आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। तो वर्कआउट भी साथ साथ उतना ही जरूरी है जितनी डाइट। अब डाइट के साथ साथ आप वर्कआउट भी
कीजिए, ठीक है। वर्कआउट में आप ले सकते हैं, स्ट्रेचिंग ले सकते हैं। ओनली 30 मिनट्स आप स्टार्टिंग से वर्कआउट कीजिए, ओनली 30 मिनट्स स्टार्टिंग, 10 to 20 मिनट्स आप स्ट्रेचिंग लीजिए, फिर पर मसल कोई आप 10 मिनट्स की वर्कआउट उसके बॉडी वेट से कीजिए। और आप स्टार्टिंग से अपना बॉडी वेट से कीजिए, फिर आप जिमिंग ज्वाइन कीजिए। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा डाइटिंग के और सीधा सीधा जिम चले जाते हैं, फिर वहाँ पे हैवी वेट मारते हैं, फिर बोलते बॉडी नहीं बनती है, सब वो सब नहीं। तो स्टार्टिंग में आपको कम से कम 1 month आपको अपने बॉडी वेट से ही ट्रेनिंग करनी है मसल्स को। बहुत वर्कआउट वीडियोज़ हैं, मेरी भी हैं, मैं धीरे धीरे अभी डाइट और वर्कआउट्स की वीडियो आपको शेयर करूंगा, जिससे आपको वो सब पता लगता रहेगा। तो आप थोड़ा सा अपने वर्कआउट और डाइट को अपनी लाइफ में लीजिए, जिससे कि आपका सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू होंगी। जो भी आपको बीमारियां हैं कुछ है, आप सिर्फ वो सब आती हैं डाइट से। आप सिर्फ डाइट और वर्कआउट अपनी लाइफ में लीजिए, मैक्सिमम आपकी बीमारियां ठीक होने शुरू हो जाएंगी। ओके, तो आपको दोनों चीजों को आपको बैलेंस लेके चलना है। सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वर्कआउट से कुछ नहीं होगा, आपको दोनों चीजों को अपनी लाइफ में लेके चलना है। आप वर्कआउट में स्ट्रेचिंग करो, जिमिंग करो, बॉडी वेट ट्रेनिंग कीजिए, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन सबको लेके अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था कि कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि डाइट जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। मेरे हिसाब से दोनों चीजें जरूरी हैं, तो आपको इन दोनों को अपनी लाइफ में लेके चलना है और टाइम टू टाइम खाना है। और डाइट का मतलब आपको सब कुछ खाना है, बट आपको सब कुछ कंट्रोल वे में खाना है। और वर्कआउट को आप स्टार्ट रखिए अपने साथ साथ, डाइटिंग के साथ साथ भी आप रखिए, तो आपका धीरे धीरे आप अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, ठीक है। अभी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप सिर्फ कमेंट्स में मेरे को रिप्लाई कीजिए, तो मैं उस पर आपको रिप्लाई करूंगा। तो आप उसमें आप मेरे को कुछ ना कुछ दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।